भारत इस साल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन इसका असर ब्रिटेन में नजर आ रहा है। लंदन के ब्राइटन बीच पर समुद्र तट की सफाई का मेगा अभियान चलाया गया। इस मौके पर जर्मनी, जापान, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका समेत करीब 20 देश इस आयोजन में शामिल हुए। ये लजीज व्यंजन श्रीनगर में G20 समिट को लेकर तैयार किए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट यहां बाजरे से बने जायकेदार व्यंजन बनाना सिखा रहा है। इस मौके पर महिला उद्यमियां बाजरे के से कई तरह के पकवान बना रही हैं। और आपको बता दें कि आज से श्रीनगर में G20 की बैठक का आयोजन शुरू हो रहा है, जिसको लेकर कई तरह के इंतजाम किए गए। ये तस्वीरें और गजब का डांस अजमेर के रामसर गांव का है। यहां जब एक ही परिवार के 185 लोगों से मिलने बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल और अभिनेत्री सारा अली खान पहुंची, तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर विकी और सारा ने इस परिवार की महिलाओं के साथ डांस भी किया। आपको बता दें, इन दिनों विकी कौशल और सारा अली खान अपनी अपकमिंग फिल्म जरा हटके जरा बचके की प्रमोशन में लगातार जुटे हुए हैं। ये फिल्म बड़े पर्दे पर 2 जून को दस्तक देगी। ये नजारा माया नगरी मुंबई से निकल कर आया। यहाँ G20 की तीसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक का शुभारंभ किया गया। यह बैठक 23 मई तक चलेगी, जिसमें समुद्र तटों की सफाई, सागर तटों और महासागरों की सुरक्षा को लेकर मंथन किया जाएगा। ये जश्न इम्फाल के ओल्ड मणिपुर सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल का है। यहाँ पर 31वां राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस मौके पर लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक और रंगारंग गीत संगीत की भव्य प्रस्तुति दी, जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अनोखी कनाकाली चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल के टीचर की है, जिन्होंने चौक पर खजब की कलाकारी करके लोगों को तंग कर दिया। आर्टिस्ट बलराज सिंह ने चौक पर प्रधानमंत्री मोदी, बाबा साहब अंबेडकर, भगत सिंह समेत कई लोगों की शानदार कलाकृति बनाई, जो कि लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अगली गुड न्यूज दिल्ली से सामने आई है। यहाँ पर हज यात्रा के लिए पहला जत्था दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से रवाना हुआ। इस मौके पर हज यात्रियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। खास बात यह है कि इस मौके पर मीनाक्षी लेखी और एलजी विनय सक्सेना भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर ये गुड न्यूज दिल्ली एम्स से निकल कर आई है। यहाँ के डॉक्टर्स ने ऐसा कमाल कर दिखाया, जिसकी सराहना हर ओर हो रही है। दरअसल यहाँ 3 महीने के बच्चे की किडनी का सफल ऑपरेशन किया गया। ये नजारा बाराबंकी का है, जहाँ दुर्लभ प्रजाति की 2 डॉल्फिन देखी गयी। इस मौके पर वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों डॉल्फिन का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइल में डॉल्फिन की तस्वीरें कैद कर ली।